हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। बायनोमियल थ्योरम चैप्टर चल रहा है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। वैसे चैप्टर अगर आपका रिड्यूस भी कर दिया गया है तो भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको कर लेना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कोई एग्ज़ाम होता है आपका, जैसे JEE मेन्स हो गया या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें 11th क्लास का सिलेबस आता है, तो बायनोमियल थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको एक बार कर लेना चाहिए। और जनरल टर्म तक इसमें 11th क्लास में सिलेबस आता ही है, इस साल रिड्यूस कर दिया गया होगा। चलिए, हमने पीछे कल वाले लेक्चर में जो किया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे इसके बायनोमियल एक्सपेंशन के। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। x प्लस ए रेज टू पावर n, हमने इस एक्सपेंशन को बायनोमियल को ओपन किया था। एम सी जीरो, एक्स रेज टू पावर n, ए रेज टू पावर ज़ीरो। कैसे बताया था हमने, x की जो पावर होती है वो जो इंडेक्स में होता है आपके पास सेम होती है, ठीक है। प्लस एम सी वन, एन माइनस वन, दोनों की सब्ट्रैक्शन लेते हैं x की पावर। और जो सेकंड एलिमेंट नंबर होता है हमारा a, इसकी पावर होता है जो c के सफिक्स में होता है, यानी कि 1। प्लस किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस टू, ए स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हर एक टर्म में, अगर हम इनकी पावर को ऐड करते हैं हर टर्म में, तो हमारा n आना चाहिए। जैसे n प्लस ज़ीरो इज n, n माइनस वन प्लस वन इज n, n माइनस टू प्लस टू ऑल्सो n, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये n आना चाहिए। लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनती है, एन सी एन, एक्स रेज टू पावर n माइनस n विच इज़ ज़ीरो, आप इसको ज़ीरो लिख सकते हो, एंड a रेज टू पावर n। ये हमारे पास x प्लस a की एक्सपेंशन थी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितनी होती हैं x प्लस a रेज टू पावर n में, n प्लस वन, एक ज़्यादा होती हैं। अगर n पावर है तो n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे इसके अंदर, ओके। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए रेज टू पावर n, इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, x प्लस माइनस ए कर दिया था यहाँ पे, और इसकी पावर n। सेम टू सेम चलेगा, एन सी ज़ीरो, एक्स रेज टू पावर n, यहाँ पे माइनस ए रेज टू पावर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए है यहाँ पे, माइनस ए रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन। प्लस एम सी वन, एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, माइनस ए रेज टू पावर वन। प्लस सी टू, एक्स रेज टू पावर n माइनस टू, माइनस ए स्क्वायर। प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म जो आएगी एम सी एन, एक्स रेज टू पावर ज़ीरो, माइनस ए रेज टू पावर n। ये कल हमने की थी, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एम सी ज़ीरो, माइनस ए रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, एक्स रेज टू पावर n। प्लस एन सी वन, एक्स रेज टू पावर n माइनस, और माइनस ए की पावर वन, माइनस बाहर आ जाएगा, एन सी वन, एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इन टू ए। माइनस ए का स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए हमने किया था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्म आई थी, ओके। प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे देखें इस लास्ट टर्म में माइनस ए रेज टू पावर n, तो अगर पावर हम माइनस के अलग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन रेज टू पावर n, क्योंकि माइनस वन वन इन टू ए, पावर अलग अलग करेंगे, एन सी एन, एक्स रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, एंड ए रेज टू पावर n। ये बनी थी हमारे पास x माइनस ए रेज टू पावर n की एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये जो आपके पास एक्सपेंशन है x प्लस ए रेज टू पावर n, इसको अगर हम समेशन में लिखें, समेशन में कैसे लिखते हैं, सारी टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, समेशन का मतलब होता है एडिशन। तो सब हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, k इक्वल टू ज़ीरो टू n, कहाँ से हमारी शुरू हो रही है, ज़ीरो से, और कहाँ तक जा रहा है, n तक। देन n c चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये देखते हैं हम। देखो n यहाँ पे, n सबके पास सेम चल रहा है, चेंज हमारा ज़ीरो वन टू थ्री अप टू सोन, तो यहाँ पे हमने ले लिया k, दिस इज k, k की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे ज़ीरो आ जाएगा, वन रखेंगे वन आ जाएगा, ठीक है। इंटू एक्स रेज टू पावर, स्टार्टिंग में n है, फिर n माइनस वन है, अब तो सोन कम होती जा रही है तो n माइनस के हो जाएगा। और a रेज टू पावर, a रेज टू पावर स्टार्टिंग में ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, अब तो सोन चल रही है, तो स्टार्टिंग में हम लेंगे k। अब इसको ओपन करते हैं, हमारी यही एक्सपेंशन आ जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू आप रखोगे ज़ीरो, पूरे में ज़ीरो रखेंगे, तो एन सी ज़ीरो, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ज़ीरो इज़ एन,
और ए रेज टू पावर जीरो, देखो सेम टर्म आ रही है विच इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म के को हमने जीरो से एन तक लिया है, मतलब के को हम पहले जीरो रखेंगे, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे पुट करते जाएंगे, लास्ट में एन पुट करेंगे तो पूरी एक्सपेंशन आ जाएगी हमारी। तो हमने क्या कहा कि एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस ए माइनस बी रेज टू पावर एन। अगर आपके पास इस तरह से बारोमीटर्स गिवन है, ए प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस ए माइनस बी रेज टू पावर एन, द नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इसमें कि इस कंप्लीट जो बायनोमियल बनेगी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए अगर वैसे तो हम देखें तो इसकी हम ओपन करेंगे, यहाँ से भी ओपन करेंगे तो नेगेटिव वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट इज एन बाय टू प्लस वन इफ एन इज इवन, एंड सेकेंड एन प्लस वन बाय टू इफ एन इज ऑड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आपके पास गिवन हो एक्स प्लस वाई रेज टू पावर फाइव प्लस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर फाइव, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, पाँच, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एन हमारा इवन है या फिर ओड है, एन हमारा ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी एन प्लस वन बाय टू, मीन्स फाइव प्लस वन बाय टू सिक्स बाय टू थ्री नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। अगर आपके पास गिवन हो और इवन नंबर एक्स प्लस वाई रेज टू पावर फाइव प्लस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर फाइव, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी इवन नंबर लेना है, सिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन हमारा छः होगा, तो एन के लिए क्या है, एन बाय टू प्लस वन, ठीक है। तो पहले हम एन की वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ जाएगी सिक्स बाय टू प्लस वन, यानी कि थ्री प्लस वन फोर, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी कंप्लीट में, ठीक है, चार आ जाएंगे, ओके। अगर हमें यहाँ पे माइनस गिवन हो, ध्यान से देखना है, यहाँ पे अगर माइनस गिवन हो देन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, एंड एन माइनस ए माइनस बी रेज टू पावर एन, ये आपके पास गिवन है, देन नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी एन बाय टू, ओके। अगर यहाँ पे माइनस है और एन हमारा इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी एन बाय टू, एंड अगर एन ओड है तो एन प्लस वन बाय टू, सेम टू सेम। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स प्लस वाई रेज टू पावर टेन माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर टेन, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे एन की वैल्यू टेन हो जाएगी, एन हमारा कैसा है, इवन, इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी एन बाय टू, यानी कि टेन बाय टू विच इज फाइव नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। और अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता तो एन प्लस वन बाय टू, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 9 लेते हैं तो 9 प्लस वन इज अ टेन बाय टू विच इज फाइव। क्वेश्चन सिक्स दे रखा है 96 रेज टू पावर 3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 96 को हम लिख देंगे 100 माइनस 4, ठीक है। हम इसको ब्रेक करेंगे, 95 प्लस वन नहीं करेंगे, 100 माइनस 4, ताकि हम इसके क्यूब आप इजीली कर सकते हो। ओपन करेंगे बायनोमियल 3 से 0, 100 रेज टू पावर 3 4 रेज टू पावर 0 प्लस 3c1 100 रेज टू पावर 2, एक ये कम करते जाते हैं, इंटू 4 रेज टू पावर 1। नेक्स्ट इज प्लस 3c2 100 रेज टू पावर 1 इंटू 4 रेज टू पावर 2 प्लस 3c3 100 रेज टू पावर 0 और 4 रेज टू पावर 3। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 3c0 इज 1 होता है, 100 रेज टू पावर 3
सिक्स जीरोज आ जाएंगे। क्यूब करेंगे तो छः बार मतलब छः जीरोज आ जाएंगी, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे। फोर इज टू पावर जीरो इज वन, प्लस थ्री सी वन वन होता है, कल हमने बताया था एन सी जीरो वन सॉरी थ्री सी वन थ्री होता है, एन सी वन इज एन, तो थ्री सी वन हो जाएगा थ्री इंटू हंड्रेड का स्क्वायर करेंगे दस इंटू फोर, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे ट्वेल्व, प्लस थ्री सी टू, थ्री सी टू किसके इक्वल होगा, थ्री सी टू इक्वल थ्री सी वन के, कैसे बताया था एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो एन थ्री सी टू इज इक्वल टू थ्री सी वन के, तो यहाँ से आ जाएगा थ्री सी वन की वैल्यू हमने थ्री निकाली थी, थ्री इंटू हंड्रेड से ये सिक्सटीन हो जाएगा और इंटू हंड्रेड, प्लस थ्री सी थ्री वन होता है, तो यहाँ हंड्रेड इज टू पावर जीरो इज वन और फोर का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, मल्टीप्लाई करेंगे फोर क्यूब करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन दे रखा है, करना आपको ऐसे ही है, इसको लिखना है आपको 102 रेज टू पावर 5 को 100 प्लस 2, अरे हाँ ये माइनस था तो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस आएगा, भाई इसमें हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, ए माइनस बी रेज टू पावर एन है यहाँ पे, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस लास्ट टर्म माइनस, देन ये माइनस आ जाएगी और ये टर्म भी माइनस आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी प्लस की चल रही है, ये आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन में 101 रेज टू पावर 4 दे रखा है, इसको आप लिखोगे 100 प्लस 1 रेज टू पावर 4, ओपन ऐसे ही करना है बायनोमियल को, 6 टर्म आएंगी इसमें, इसे 5 टर्म आ जाएंगी। 99 रेज टू पावर 5, ये आ जाएगा 100 माइनस 1 रेज टू पावर 5, इसको ओपन कर लेंगे a माइनस बी वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी क्वेश्चन 10th, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, दो नंबर आपके पास गिवन है 1.1 रेज टू पावर 10,000 और 1000, बताना है कि कौन सा आपको इसमें से बड़ा है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम बायनोमियल से सॉल्व कर लेते हैं, 1.1 रेज टू पावर 1000, इसको हमने सॉरी 10,000 है, 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 10,000 ये ले लिया हमने, अब इससे हम बायनोमियल ओपन कर देंगे, ठीक है, टू स्टेप तक ओपन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास क्या आता है, एन सी ज़ीरो ज़ीरो, ये हमारे एन की वैल्यू है, इंटू वन रेज टू पावर 10,000 इंटू 0.1 रेज टू पावर ज़ीरो, ठीक है। सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 सी वन इंटू वन रेज टू पावर, इसलिए हमारे पास एक कम हो जाएगी, एंड 0.1 रेज टू पावर 1, ठीक है, प्लस अप टू सॉल्व, ये आगे हम इसको ओपन नहीं करेंगे, यहाँ तक ही करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीके? आगे की टर्म्स हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव है, a प्लस बी फॉर्म में है, तो आगे सारे पॉजिटिव टर्म आएंगे, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन सी ज़ीरो यानी 10,000 सी ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है, 1 रेज टू पावर जितने भी करते हैं 1 आता है, 0.1 रेज टू पावर 0 विच इज़ ऑल्सो 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो 0 होता है, वो नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दिस इज कंप्लीट वैल्यू 1, प्लस एन सी वन, एन सी वन बहुत बार बता चुके हो n होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000, ठीक है, 1 रेज टू पावर 1 रहेगा इंटू 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, आगे सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगे, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा 0.0, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10,000 इंटू 0.1 पॉइंट को हटा देंगे 1/10 कैंसिल 1000 आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगी प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, दिस इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो क्या आता है 1001, और इसमें प्लस है अदर पॉजिटिव, इसमें और भी टर्म्स जुड़ी हुई है, ठीक है,
कोई ना कोई क्वांटिटी तो आएगी इनकी, तो इसमें ही हमारे पास ये नंबर ऐड है। अब हमें बताना है, बताना था कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब सिंपली आपको दिख रहा है कि 1000 में और इस टर्म में कौन बड़ा है, क्योंकि 1001 तो हमारे पास यही आ चुका और इसमें हमारा और भी नंबर ऐड है, तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन 1000। तो ये किसकी वैल्यू चल रही थी, 1.1 रेज टू पावर 10,000 ग्रेटर देन 1000, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। फाइंड ए प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस ए माइनस बी रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो और इसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए इसको ओपन करते हैं, ए प्लस बी रेज टू पावर 4, बाइनोमियल ओपन करते हैं, क्या आएगा, 4c 0, ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 4c 1, ए रेज टू पावर 3, बी रेज टू पावर 1, 4c 2, ए रेज टू पावर 2, एक एक कम होती जाएगी, बी रेज टू पावर 2, ठीक है, 4c 3, दोनों का माइनस करेंगे कि पावर में जाना चाहिए और जिसका फिक्स है वो बी की पावर में आना चाहिए, प्लस 4c 3 ए रेज टू पावर 0, ये 1 हो जाएगा और बी रेज टू सॉरी 4c 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अप्लाई करते हैं सेकेंड ए माइनस बी रेज टू पावर 4 की, 4c 0 ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 0 इज 1, क्योंकि ए माइनस बी है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव, 4c 1 ए रेज टू पावर 3 इंटू बी, प्लस 4c 2 ए रेज टू पावर 2 बी स्क्वायर, ये प्लस ए माइनस, 4c 3 ए रेज टू पावर 1 बी क्यूब, प्लस 4c 4 ए रेज टू पावर 0 इज अ 1 एंड बी रेज टू पावर 4, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, यहाँ से ब्रैकेट से बाहर हमारे पास माइनस है, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन सबके चेंज हो जाएंगे, क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस एंड ये माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, बाहर माइनस था, ठीक है, ये टर्म हमारी माइनस की है। अब जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर देते हैं, 4c 0 a रेज टू पावर 4, 4c 0 a रेज टू पावर 4, दिस इज सेम टर्म प्लस माइनस, ये कैंसिल नहीं होगी, c 2 दिस इज पॉजिटिव एंड 4c 4 इज अ कैंसिल, ठीक है। क्या आंसर आया हमारे पास, सेम टर्म है तो 2 टाइम 4c 1 कितना होता है 4 a क्यू b, ठीक है, माइनस ये कैंसिल हो चुकी, आगे आते हैं इस टर्म के पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 4c 3, 4c 3 की वैल्यू 4c 3 इक्वल होगा 4c 1 के, क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं फॉर्मूला 4 माइनस 3 4c 1, और 4c 1 कितना होता है 4 होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 ए बी क्यू, 8 दोनों में आ रहा है, 8 कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ से देखते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है एंड दिस टोटली सेम है, बस ए की जगह पे अगर हम रूट 3 पुट कर देते हैं और बी की प्लेस पे रूट 2 पुट कर देते हैं तो सेम टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को रूट 3 रखते हैं एंड बी को रूट 2, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना, रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 रेज टू पावर 4, ये सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सेम बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है दिस, तो ये आ जाएगा 8 इंटू हमें रखना है ए रूट 3, तो रूट 3 रेज टू पावर 3 ए क्यूब है तो रूट 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, इंटू बी, बी हमारे पास दे रखा है रूट 2 प्लस ए रूट 3 इंटू बी रूट 2 रेज टू पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 इंटू रूट 3 क्यूब कितना बनेगा, रूट 3 क्यूब, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा इंटू रूट 3, ठीक है, तो ये 3 हो गया और रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6, 3 रूट 6 प्लस
रूट थ्री, और यहाँ पे टू बन जाएगा और एक फिर से बच जाएगी, तो टू रूट थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। तो रूट सिक्स और रूट सिक्स थ्री टाइम एंड टू टाइम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एट इंटू फाइव रूट सिक्स, दिस इज फोर्टी रूट सिक्स, ये आंसर आ जाएगा इसे। थर्टीन ट्वेल्थ क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन इलेवेंथ के जैसा ही है, वो आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्टीन, शो दैट नाइन रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाई 64। हमें बताना है कि कंप्लीट नंबर 64 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, नाइन रेज टू पावर एन प्लस वन इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नाइन को लिख लेते हैं वन प्लस एट एन प्लस वन, नाइन को मैंने लिखा वन प्लस एट, एंड अगर मैं एक्स सॉल्व करती हूँ वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, अगर ये बाइनोमियल ओपन करती हूँ और एक्स के प्लेस पे एट पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी नाइन रेज टू पावर एन प्लस वन की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन इसके बाइनोमियल ओपन करते हैं, एन प्लस वन सी ज़ीरो, वन प्लस एक्स की जब ये ओपन करते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, वन रेज टू पावर एन प्लस वन आएगा, वन रेज टू पावर एन प्लस वन विच इज़ वन, तो फर्स्ट टर्म हमारी हर एक टर्म में वन बनती जाएगी, तो फर्स्ट नंबर इज दिस, एक्स रेज टू पावर जीरो बनेगा वो भी हमारा वन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज एन प्लस वन सी वन, वन रेज टू पावर क्या लेते हैं एन लेंगे तो वो वन हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर हो जाएगा वन, एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर, एन प्लस वन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म आ जाएगी एन प्लस वन सी एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, ठीक है। क्या हमने वन प्लस एक्स की एक्सपेंशन ओपन कर ली और यहाँ पे हमारे पास एन प्लस वन है, ओके। नाउ एन प्लस वन सी ज़ीरो, अगर हम इसको एक्स के जगह पे हम एट पुट कर देते हैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा वन प्लस एट रेज टू पावर एन प्लस वन, ठीक है। इधर एन प्लस वन सी ज़ीरो इज़ वन, वन प्लस एन प्लस वन सी वन, ये क्या बन जाएगा भाई, एन प्लस वन इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे हमने क्या रखा है एट पुट किया है, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एट रख रहे हैं, प्लस इनको सॉल्व नहीं करेंगे एज इट इज़ रख लेते हैं, एन प्लस वन सी टू एक्स के प्लेस पे हम एट पुट कर रहे हैं, एन प्लस वन सी थ्री एट क्यू प्लस अप टू सोन, ये आ जाएगा लास्ट टर्म एन प्लस वन सी एन प्लस वन एट रेज टू पावर एन प्लस, ठीक है। वन प्लस एट इज़ अ नाइन रेज टू पावर एन प्लस वन, वन प्लस एट की मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, एट एन प्लस एट प्लस एन प्लस वन सी टू एट स्क्वायर, इसको इधर लिख लीजिए चाहे कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट टर्म्स को हम आगे ले लेते हैं और एट कॉमन निकाल लेते हैं, स्क्वायर हो गया, हाँ जी ये एट स्क्वायर, एंड एट क्यूब एन प्लस वन सी थ्री प्लस अप टू सॉन एट रेज टू पावर एन प्लस वन एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ठीक है। हमें चाहिए नंबर नाइन रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन, एट और वन ऐड कर देंगे कितना बना नाइन, और इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, नाइन रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस एट एन, और एट और वन को ऐड किया नाइन नाइन, दिस इज इक्वल टू, इधर रह गया हमारे पास एट स्क्वायर, बाकी ये टर्म इधर आ गई, बाकी सारी टर्म हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, और इसमें से हम एट का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एट स्क्वायर कॉमन लेंगे इस टर्म में से बाहर आ गया, यहाँ पे आया आपके पास एन प्लस वन सी टू, यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एट बचेगा यहाँ पे, एन प्लस वन सी क्यू तो थ्री प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ से आप स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो कितनी पावर बचेगी, एट रेज टू पावर एन प्लस वन में से टू माइनस कर दो एन माइनस वन रह जाएगी, तो एट रेज टू पावर एन माइनस वन और एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ठीक है। ये नंबर हमारे पास बच गया,
दिस इज इक्वल टू 64 और ये एज इट इज कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास फिक्स नंबर आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि दिस इज इक्वल टू 64 इंटू दिस, यानी कि इस पूरे नंबर को हमने 64 के मल्टीपल में लिख दिया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 64 डिवाइड्स दिस नंबर 9 डेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9। यही आपको प्रूव करना था, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 64। तो हमने क्या किया, इस नंबर को 64 इंटू सम नंबर दोनों के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, दैट मीन्स 64 इसको डिवाइड करेगा। या आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज डिविजिबल बाय 64। दैट r इक्वल टू 0 टू n 3 रेज टू पावर r n c r इक्वल टू 4 रेज टू पावर n आपको प्रूव करना है, ठीक है। 1 प्लस x रेज टू पावर n, इसकी एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो क्या आता है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स रेज टू पावर 1 एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस अप टू सॉन एन सी एन एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। हमें चाहिए 4 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे अगर मैं x को 3 पुट कर देती हूँ, थ्रू आउट हम क्या कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 3, तो हमें 4 रेज टू पावर n यानी हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी, 1 प्लस 3 रेज टू पावर n, दिस इज 4 रेज टू पावर n, किसके इक्वल चल रहा है, एन सी ज़ीरो एज इट इज ही रखो, इसको ओपन नहीं करना, एन सी 1 यहाँ पे हमने क्या रखा है, x को 3 लिया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू दिस नंबर इज एन सी 0 ही आएगा, प्लस एन सी 2 एक्स के प्लेस पे हम 3 पुट कर रहे हैं, 3 स्क्वायर प्लस एन सी 3 3 क्यूब अप टू सॉन एन सी एन 3 रेज टू पावर n, ठीक है। हमें समेशन में दिखाना है इसको, तो समेशन यहाँ पे रख देते हैं, इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, r इक्वल टू 0 टू n, 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमारा n तक जा रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर, सबसे पहले मेरे पास 0 1 2 3 अप टू सॉन n ही है, तो 3 रेज टू पावर r आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 0 रखेंगे 3 रेज टू पावर 0, 1 रखेंगे 3 रेज टू पावर 1, तो हमारे पास सारी टर्म्स मिल रही हैं। और यहाँ पे क्या रखेंगे, एन सी 0 एन सी 1, तो n तो सब में सेम आ रहा है, तो n का तो n ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, c चेंज आ रहा है 0 1 2 3 इन नंबर्स पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी k नहीं, r लेके चल रहे हैं, दिस इज आर, r को 0 रखेंगे तो सबसे पहले वाले टर्म एन सी 0 3 रेज टू पावर 0, 1 रखोगे तो एन सी 1 3 रेज टू पावर 1, तो हमें टोटल जो आपके पास टर्म्स मिल जाएंगी समेशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 4 रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू, और यही आपको प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 रेज टू पावर n माइनस 5 n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, यानी अगर हम इस नंबर को 25 से डिवाइड करते हैं 6 रेज टू पावर माइनस 5 n, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए 1 प्लस a रेज टू पावर n, बाइनोमियल ओपन करते हैं, एन सी 0 प्लस एन सी 1 a प्लस एन सी 2 a स्क्वायर प्लस अप टू सॉन एन सी एन ए रेज टू पावर n, हमें चाहिए 6 रेज टू पावर n, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a को 5 पुट कर लेते हैं, पुट कर लेंगे a 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5 रेज टू पावर n, थ्रू आउट 5 पुट करेंगे a को, एन सी 0 सॉल्व कर लो उसको, एन सी 0 1 होता है प्लस एन सी 1 इज n होता है, n इंटू ए प्लस, अच्छा a को हमने रखा है 5, ये हो गया 5n, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर, a की प्लेस से पुट किया हमने 5, एन सी 2 प्लस अप टू सॉन a 5 रेज टू पावर n एन सी n, ठीक है। 1 प्लस 5 इज 6n, हमें नंबर चाहिए 6n माइनस 5n, इस 5n को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, माइनस 5n दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे गया, आगे के जितने भी टर्म्स हैं सबसे हम 5 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 5 स्क्वायर इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5 क्यूब एन सी 3 प्लस अप टू सॉन दिस, 5 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से टर्म बची हमारे पास एन सी 2 प्लस स्क्वायर कॉमन आ गया 5 एन सी 3 प्लस अप टू सॉन 5 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन माइनस 2 एन सी
एन, ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, इस कंप्लीट नंबर को हम के पुट कर लेते हैं तो यहाँ से आ गया हमारे पास 6 raised to power n minus 5n, दिस इज इक्वल टू 1 plus 25 इंटू, इसको हमने के रख लिया। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ये जो नंबर है 25 मल्टीप्लाई सब नंबर, तो 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो k हमारा आंसर एंड 1 इज अ रिमाइंडर। देन ऑलवेज 1 प्लस आ रहा है यहाँ पे, आप k की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, 25 से डिवाइड किया 1 एडिशन में आया, दैट मीन दिस इज अ रिमाइंडर। तो यही मैं प्रूव करना था कि जिस नंबर को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा।